हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट द प्रोनाउन। हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है। जो प्रोनाउन है वो बेसिकली हम नाउन इंस्टेड ऑफ नाउन यूज़ करते हैं। लाइक हर बार एक इंसान का नाम लेने से के बजाय हम उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हरी इज़ एबसेंट बिकॉज हरी इज़ इल। यहाँ पे जो नाम है हरी, ये दो बार रिपीट हुआ है, हरी इज़ एबसेंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इट्स बेटर कि हम जो रिपीटेशन है बार बार हरी के नाम का, उसको अवॉइड कर देंगे और उसकी जगह हम लिख देंगे ही, बिकॉज ही इज़ अ मेल। तो हम लिख देंगे हरी इज़ एबसेंट बिकॉज ही इज़ इल। तो रिपीटेशन, नाम के रिपीटेशन को कम करके इंस्टेड ऑफ नेम जहाँ पे हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन करेंगे। टोटली देर आर 9 टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन्स एंड हम इन 9 टाइप्स के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे एंड उनके जो एग्जांपल्स हैं, हम उनके एग्जांपल्स भी देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स हैं एंड किस तरीके से ये जो 9 टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन्स हैं, इनका क्या यूज़ है, हाउ वी कैन यूज़। बेसिकली इसे हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। सो जो पर्सनल प्रोनाउन है वो पर्सन्स के लिए ही यूज़ होते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सारे पर्सन्स हैं। बिकॉज ये पर्सन, जैसे हमने टेंसेस में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो ये सारे पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं, इसीलिए इन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। क्योंकि ये जो यूज्ड होते हैं ये पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं। जैसे मैं मेरे लिए यूज़ करूँगी आई यूज़ आई, तो जो पर्सन बोल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ, तो मैं हो गई आपकी फ़र्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ आई, और अगर वही प्लूरल बनाना हो तो मैं यूज़ करूँगी वी। नेक्स्ट आता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का मतलब जिससे मैं बातें कर रही हूँ, जैसे मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ तो आप हो गए हो सेकेंड पर्सन। अब आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात की हुई है, हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं। सपोज़ हम यहाँ पे प्रोनाउंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रोनाउन हो गया हमारा थर्ड पर्सन। हम एग्जांपल देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन के। सबसे पहले सिंगुलर में आता है आई, मी, माई, माइन। क्यों? क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, ये मैं मेरे लिए यूज़ कर रही हूँ। अगर वहीं प्लूरल यूज़ करना हो तो मैं यूज़ करूँगी वी, आवर, आवर, आर्स। अब वहीं अगर सेकेंड पर्सन, यानी कि अगर मैं आप लोगों की बात करूँ, तो मैं क्या कहूँगी, यू, योर, योर्स। ये बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए यूज़ किया हुआ है मैंने। अब वहीं अगर मैं थर्ड पर्सन, जिसके बारे में अगर हम बात करें, अब यहाँ पे इंग्लिश के बारे में हम बात कर रहे हैं, सो जो इंग्लिश है इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इट। अगर मैं हम वहीं किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे होते तो मैं यूज़ करती ही, शी, या ही, हज, या हिम। अगर वहीं प्लूरल बनाना हो तो दे एंड देयर्स या फिर देम हम यूज़ करेंगे। तो हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, दिस इज़ माई बुक। ये किसकी बुक है, माई बुक, मेरी बुक है। सो यहाँ पे जो माई है वो पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे बारे में बात कर रही हूँ। एंड यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यहाँ पे कौन गलत है, आप गलत हो। तो मैं किसके बारे में, किससे बोल रही हूँ, आपको बोल रही हूँ, तो आप सेकेंड पर्सन हो गए। शी इज़ ईटिंग मील, यहाँ पे शी पर्सनल प्रोनाउन है। सेकेंड हम बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम निजवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निज का मतलब है खुद। अब जिस भी काम को हम करते हैं, जब भी ये रिप्रेजेंट करता है कि वो जो काम किया हुआ है वो हमने खुद से किया। जैसे कि आप कई बार नहीं कहते कि मैंने ये पोयम बाय माई सेल्फ लिखी हुई है, आई रोट द पोयम माई सेल्फ, आई आंसर द क्वेश्चन माई सेल्फ, आई रोट द टेस्ट माई सेल्फ। तो जो काम आप खुद से कर रहे हो, अपने आप से कर रहे हो, तो यहाँ पे हम सेल्फ लगा देते हैं, यानी कि खुद, टू इंडिकेट कि हाँ ये काम हमने खुद से ही किया हुआ है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब जैसे कि यू की जगह योर सेल्फ आ जाएगा। अब जैसे कई बार आपको टीचर्स इंस्ट्रक्शन देती है, डू द वर्क बाय योर सेल्फ, यानी कि जो वर्क है वो आपको खुद से ही करना है, यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। एंड कई बार आप भी कहती हो, यस मैम आई डिड द वर्क बाय माई सेल्फ, मैंने खुद से ही वो काम किया हुआ है। तो रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि वो रिफ्लेक्ट होकर आप ही के पास आ रहा है। अब लेट अस सी द सेंटेंस विद द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही हर्ट कर लिया। सो माई सेल्फ जो है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि आई को किसने हर्ट किया, माई सेल्फ, यानी कि खुद को खुद ही ने ही हर्ट किया हुआ है। सो यहाँ पे जो माई सेल्फ है
वो आपका बन जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दे हर्ट देमसेल्व्स, यहाँ पे दे उन लोगों को किसने हर्ट किया, उन्होंने खुद को ही हर्ट किया है. सो देमसेल्व्स, सो देमसेल्व्स यहाँ पे आ जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नेक्स्ट आता है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन. अब जो एम्फेटिक प्रोनाउन है बेसिकली इट्स अ क्वाइट ईजियर वन. नाम इसका डिफ़िकल्ट है लेकिन समझना बहुत ही ईजी है. सो ये जो प्रोनाउन है ये यूज़ होता है टू ऐड द एम्फोसिस टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस. अब किस तरीके से हम ऐड करेंगे एम्फोसिस, क्या होती है, हम उसे किस तरीके से सब्जेक्ट में ऐड करके सेंटेंसेस बनाएंगे, ये मैं आपको बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल से यहाँ पे जैसे सेल्फ ऐड हो रहा है, सेल्फ इज़ एडेड, या हम पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ या फिर सेल्फ्स को ऐड कर देंगे एंड उससे हम फिर सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि ये हमारे सब्जेक्ट को एम्फोसिस कर रहा है, ऐड कर रहा है, हम एक एम्फोसिस को हमारे सब्जेक्ट में ही ऐडअप कर रहे हैं. यहाँ पर जैसे कि सेल्फ को हमने ऐड कर दिया माई के साथ, यूअर के साथ, हिम, हर, इट, एंड वही अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम एस ई एल वी ई एस सेल्फ्स ऐड कर देंगे, जैसे आर सेल्स, देम सेल्स, या सेल्स. हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं जिससे आप और इजीली समझ पाओगे. टेक एन एग्जांपल, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसको खुद से ही करूँगा, आई विल डू इट बाई माई सेल्फ. तो यहाँ पे ये जो माई सेल्फ है इसको हम कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन. वी विल सी इट टू आर सेल्फ, हम इसे अपने आप देख लेंगे. तो यहाँ पे ये जो आर सेल्स हैं, आर सेल्स भी हो गया हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन. अब नेक्स्ट है शी हर सेल्फ सेज सो, यानी कि हर सेल्फ जो है अगेन इट इज़ बीन कंसिडर्ड एज अ एम्फेटिक प्रोनाउन ओवर हियर. सो एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों दिखने में एक जैसे हैं, तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है अभी, क्योंकि उनमें भी माई सेल्फ, दोनों में सेल्फ यूज ऐड होता है. सो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस, इन दोनों में क्या ऐसा डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एंड एम्फेटिक प्रोनाउन में. ये कई बार कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर देते हैं कि अगर सेंटेंस में दोनों चीज़ें यूज़ हुई है, माई सेल्फ है, आर सेल्फ है, इट सेल्फ है, तो हम कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. अब सबसे पहले देखिए, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब रिटर्न टू द ड्यूअर, द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस आर द सेम पर्सन्स. अब यहाँ पे क्या होगा, जो सब्जेक्ट होगा जैसे आई है और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो दोनों सेम होंगे. अब जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, हर्ट वर्ब हो गया, तो आई और माई सेल्फ जो है वो दोनों एक ही पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं. जैसे आई हर्ट, अब मैंने एग्जांपल दिया था आपको आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ पे आई और माई सेल्फ दोनों एक ही पर्सन्स हैं, दोनों एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आई का मतलब भी मैं हूँ, माई सेल्फ का मतलब भी मैं हूँ. अब वहीं दूसरी तरफ जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो नाउन या प्रोनाउन को और एम्फसाइज करते हैं. They are used to emphasize noun or pronoun. She herself opened the door. अब आप यहाँ पर देखो, she herself. यहाँ पर बीच में object आपका verb आ गया है, यानी कि subject और myself के बीच में आपका verb आ गया है. But here यहाँ पर जैसे ही आपका जो subject है she के immediately बाद emphatic pronoun आते हैं, यानी कि उसने खुद से दरवाजे को open किया. यहाँ पर object आपका end में आ गया. तो ये difference है इसमें, जिसे आप easily identify कर सकते हो. नेक्स्ट आता है इनडिफाइनाइट प्रोनाउंस, अनिश्चयवाचक सर्वनाम. अब लेट्स सी व्हाट इज दिस. समटाइम द प्रोनाउन यूज्ड इन अ सेंटेंस डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर थिंग और अ पर्सन, दे आर यूज्ड इन जनरल वे. अब कई बार सेंटेंसेस में ऐसा भी होता है कि जो भी हमने प्रोनाउन यूज़ किए हुए हैं हमें पता नहीं चलता वो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होता है, हम जनरली उसको सबके लिए यूज़ करते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे एज अ इनडिफाइनाइट प्रोनाउन. यानी कि उसकी क्लियर डेफिनेशन हमें नहीं मिली है कि उस प्रोनाउन को हमने किसके लिए, किस पर्सन के लिए यूज़ किया हुआ है या किस पर्टिकुलर थिंग के लिए हमने उस प्रोनाउन को यूज़ किया हुआ है. टेक एन एग्जांपल, ऑल. ऑल का मतलब पता है आपको कि पर्टिकुलर किससे कहा गया. अब क्लासरूम में काफ़ी सारे बच्चे बैठे होते हैं, तो अगर मैं ऑल कहती हूँ तो किसी एक को नहीं कह रही, वो सबको आ गया. क्या आपको ऐसा पता चलेगा ऑल का मतलब, या फिर एनी वन. अब मैं कहती हूँ एनी वन ऑफ यू गिव मी योर नोटबुक, तो एनी वन में से आप कोई भी मुझे दे सकते हो. क्या यहाँ पे पर्टिकुलर है कि एनी वन मैंने किसके लिए यूज़ किया हुआ है? नो. सो ये जनरल वे में हम जिन वर्ड्स को यूज़ करते हैं जिनका मतलब हमें क्लियरली ये नहीं पता होता है कि किसके लिए हमने वो वर्ड यूज़ किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, नोबडी कैन हेल्प यू इन दिस इश्यू, इसका मतलब इस
इश्यूज़ में, इस प्रॉब्लम में तुम्हारी हेल्प कोई भी नहीं कर सकता है. सो यहाँ पे ये जो वर्ड नोबडी है इज़ कॉल्ड एज अ इनडिफाइनाइट प्रोनाउन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं पता, नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं. यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लिया हुआ है, ना ही किसी पर्टिकुलर प्रोनाउन का नाम यहाँ पे लिया हुआ है. डू यू आस्क एनीबडी टू कम? अब डिड यू आस्क एनीबडी टू कम, क्या तुमने किसी को आने के लिए कहा है? किसी को मतलब किससे कहा है? क्या कोई पर्टिकुलर पर्सन है यहाँ पे उसका नाम है? नो. सो एनीबडी इज़ कंसिडर्ड एज अ इनडिफाइनाइट प्रोनाउन. अब समबडी, किसी ने मेरी वॉच चुरा ली है. किसी ने, तो किसी ने का मतलब क्या आप श्योर हो किसने चुराई है? नो. जनरल वे में आप बोल रहे हो ना कि किसी ने मेरी वॉच चुरा ली है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ इनडिफाइनाइट प्रोनाउन. नेक्स्ट हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक. रिलेटिव का मतलब आपको पता होगा, जैसे रिलेशंस होते हैं, फादर है, मदर है, अंकल, आंट, ये सारे हमारे रिलेशंस हैं. तो यहाँ पे भी रिलेटिव प्रोनाउन जो है, इट इज़ यूज्ड टू नाउन, रेफर टू अ नाउन मेंशन्ड प्रीवियसली. एंड जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो टू सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के काम आता है, और ये इसके साथ साथ रिलेशन भी बताता है जो प्रीवियस पर्सन था या प्लेस थी या थिंग थी उसके साथ हमारा क्या रिलेशन था, उसको बताने के भी ये काम आता है. एंड याद रहे कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इट इज़ बीन ऑलवेज यूज टू जॉइन द टू सेंटेंसेस. सो वी विल डिस्कस द एग्जांपल ऑफ दिस. हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जैसे कि हु, हुम, दैट, विच, एवर. अब जैसे कि मेनी अ टाइम यू सेज दैट द पर्सन हुम आई मेट, एक इंसान जिससे मैं मिला था. तो प्रीवियसली आप जिस इंसान से मिल चुके हो, आप अब बता रहे हो द पर्सन हुम आई मेट वॉज माई अंकल. आप रिलेशन बता रहे हो ना कि जिस इंसान से मैं मिला था वो मेरा अंकल है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन. लेट्स सी सम सेंटेंसेस विद द रिलेटिव प्रोनाउन. दिस इज़ द प्लेस वेयर वी मेट. अब यहाँ पे प्लेस के बारे में बता रहे हो कि इस प्लेस से क्या रिलेशन है. ये प्लेस वही है जहाँ पे आप पहले मिल चुके हो. सो यहाँ पे आपका प्लेस से रिलेशन बताया गया है. सो यहाँ पे जो वर्ड वेयर है ये आपका बन जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन. क्यों? क्योंकि ये दोनों सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन भी कर रहा है, प्लस रिलेशन भी बता रहा है. अब यहाँ पे यू कैन चूज एनी वन पर्सन हुम एवर यू लाइक. अब यहाँ पे पर्सन के साथ आपका रिलेशन बता रहा है कि आप किसी भी इंसान को पसंद कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो, जिसे भी आप हुम एवर यू लाइक. सो यहाँ पे जो वर्ड हुम एवर है, इट इज़ बीन कंसिडर्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन. ही हु हेजिटेट इज़ लॉस्ट. हेजिटेट का मतलब है हिचकिचाना, कि जो इंसान जो हिचकिचाता है, समझो वो हारा हुआ है. सो यहाँ पे हु इज़ कंसिडर्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सो जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है, ये बेसिकली नियर या फार जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं, जो आपके दूर या पास के जो भी चीज़ें हैं, उनको बताने के लिए काम आता है. जो आपके पास चीज़ें हैं उनके लिए आप दिस एंड दीज यूज़ करोगे. जो आपके दूर की चीज़ें हैं उनको बताने के लिए आप दैट एंड दोस. सपोज़ आपके सामने बहुत दूर एक पेड़ है जो आपको दिख रहा है, तो जो दूर पेड़ है उसको बताने के लिए आप यूज़ करोगे दैट ट्री. अगर वही आपके पास है वो पेड़, तो आप उसे बताने के लिए यूज़ करोगे दिस ट्री. अगर वही प्लूरल में हो गए तो वो दीज एंड दोज हो जाएंगे. सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेसिकली डिस्टेंस बताने के काम आता है कि जो चीज़ें हैं वो आपसे कितनी दूरी पर हैं, पास में हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा वो आपके दूर हैं. उन चीज़ों को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को बताने के लिए हमें किया जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सो आई होप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नियर एंड फार का जो मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपको ईजिली समझ में आ गया होगा. अब जैसे कि लेट अस सी विद द सेंटेंसेस विद द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सो जो सेंटेंसेस हैं विद द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस इज़ माई बुक. जो बुक है वो आपके पास रखी हुई है, और इसीलिए आप बता रहे हो कि जो बुक है दिस. अब दिस वर्ड जो है, इट इज़ बीन कॉल्ड एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. क्यों? क्योंकि ये आपको डिस्टेंस बताने के लिए यूज़ किया हुआ है कि जो बुक है वो कहाँ पर है. दीज आता है प्लूरल के लिए. जब बहुत सारी बुक्स हो उनको बताने के लिए हम यूज़ करेंगे दीज का. दैट मैन इज़ हैंडसम. अब अगेन, इफ़ द पर्सन इज़ फार अवे, कोई बहुत दूर है आपसे इंसान एंड आपको उसके बारे में बताना है, तो आप कहोगे दैट मैन इज़ हैंडसम. यहाँ पे जो वर्ड
दैट है, इट इज़ बीन कंसिडर्ड एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. वहीं प्लूरल के लिए हम यूज़ करेंगे दोज. नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में बेसिकली हम क्वेश्चंस पूछते हैं. यहाँ पे जब भी आप किसी से कोई भी क्वेश्चनिंग कर रहे होते हो, सो क्वेश्चनिंग करने के लिए जिन प्रोनाउंस का यूज़ होता है उन्हें हम कहेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. अब जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होंगे ये क्वेश्चनिंग वाले हो सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, विच मूवी डू यू लाइक, एंड वेयर आर यू फ्रॉम. सो जब भी आप क्वेश्चनिंग करते हो, WH क्वेश्चंस, जब भी आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, दे आर कॉल्ड एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. सी द सेंटेंसेस, हु इज़ देयर, वहाँ कौन है. सो यहाँ पे WH क्वेश्चन, हु जो है इट्स अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. देन व्हाट डू यू वॉन्ट, तुम्हें क्या चाहिए. सो व्हाट इज़ बीन कंसिडर्ड एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन्स. विच आर योर बुक्स, हियर द वर्ड विच इज़ कंसिडर्ड एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. होम डू यू सी, तुमने किसे देखा, हियर द वर्ड होम इज़ कंसिडर्ड एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट, अब रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या डिफ्रेंसेज होते हैं. अब ये दोनों जो वर्ड हैं वो काफ़ी सिमिलर टाइप हैं, बट इनमें काफ़ी सारे डिफ्रेंसेज हैं. तो डिफ्रेंसेज हम ये देखेंगे कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये बेसिकली कनेक्ट करता है क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन और अ प्रोनाउन. ये नाउन और प्रोनाउन को आपस में कनेक्ट करता है. जैसे कि मैंने आपसे ये कहा था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो बेसिकली टू सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करेगा, उनके आपस में रिलेशन बताएगा. आप जैसे कि देखो, ए मैन हु लॉस्ट हिज वॉलेट कुड नॉट बाई हिज ग्रॉसरीज. एक इंसान जिसने अपने, अब यहाँ पे इंसान के बारे में आपको उसके वॉलेट एंड मैन के बारे में रिलेशन में बताया गया हो कि जिस इंसान ने अपना वॉलेट खोया था. अब वहीं अगर दूसरी तरफ मैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की अगर बात करती हूँ, तो इंटेरोगेटिव क्वेश्चनिंग में स्टार्टिंग में ही आपका WH क्वेश्चंस आ जाएंगे वहाँ पर. यहाँ पे आपका देखो जो हु वर्ड है वो बीच में आया हुआ है, लेकिन वहीं इंटेरोगेटिव में आपका जो भी वर्ड होगा वो स्टार्टिंग में आएगा. जैसे यहाँ पे हु वर्ड इन द मिडल में आया हुआ है, यहाँ पे आपका हु वर्ड स्टार्टिंग में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन टू समवन. सो ये डिफरेंस है रिलेटिव प्रोनाउन में एंड इसमें. नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है टू डिस्ट्रीब्यूट. अब जैसे कि हम कई बार ये कहते हैं कि कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ को हम वंस एट अ टाइम अगर रेफर कर रहे हैं, इफ़ यू आर रेफरिंग टू अ पर्सन और अ थिंग वन एट अ टाइम, इट इज़ बीन कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. अब नॉर्मल इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना. जो चीज़ों में एंड थिंग्स में बांटी जाती हैं, जो लोगों में हम बांटते हैं, जो चीज़ें हम बांटते हैं. सो यहाँ पे भी जो प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं टू रेफर द पर्सन और अ थिंग एक एट अ पर्टिकुलर टाइम. अब जैसे कि दे आर ऑलवेज सिंगुलर, जो भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज़ करोगे वो हमेशा सिंगुलर होंगे. फॉर एग्जाम्पल, नीदर, ईदर, ईच, नन. अब मैं अगर ये कहती हूँ ईच वन ऑफ यू, आई विल डिस्ट्रीब्यूट द नोटबुक्स टू ईच वन ऑफ यू, तो यहाँ पे मतलब मैं हर किसी को वो नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट करूँगी. तो जस्ट रिमेंबर कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे वो हमेशा से सिंगुलर में ही यूज्ड होंगे. अब जैसे नीदर, ईदर, ईच एंड नन. नन का मतलब होता है किसी ने भी नहीं, ईच का मतलब एवरी वन, ईदर का मतलब होता है कि ऑप्शंस हैं दोनों में से कोई भी एक, एंड नीदर का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं. लेट्स सी द सेंटेंसेस विद द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. वी हैव द सर्टेन सेंटेंसेस विद द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सो लेट अस सी वन बाय वन. ईच टुक इट इन टर्न. सो यहाँ पे ईच जो है इट्स कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बांटी जा रही हैं. नीदर ऑफ गर्ल वॉज लेट, नीदर का मतलब है कोई भी लड़की लेट नहीं हुई. सो अगेन नीदर हियर इज़ बीन कंसिडर्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ईदर ऑफ यू कैन गो, यानी कि तुम में से कोई भी एक जा सकता है. अगेन हियर ईदर इज़ बीन कंसिडर्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. एंड हमारा एक और रह गया है, वो है पोसेसिव प्रोनाउन. सो पोसेसिव का मतलब होता है अधिकार जताना, ओनरशिप जताना, अपना हक जताने को हम कहते हैं. सो पोसेसिव प्रोनाउन जो है वो बेसिकली पोसेशन या ओनरशिप दिखाता है, यानी कि वो ये बताता है कि इसका जो रियल हकदार है, मालिक है, वो कौन है.
फॉर एग्जाम्पल माइन, जैसे आप ये कहते हो दीज बुक्स आर माइन, ये मेरी बुक्स हैं, तो आप वहाँ पे क्या बता रहे हो, अपना हक जता रहे हो कि ये मेरा है, ये चीज़ मेरी है. अब सेम दिस इज़ माई बुक, आप यहाँ पे अपना हक जता रहे हो, आप ये बता रहे हो कि ये किसकी बुक है, ये मेरी बुक है. तो यहाँ पे जो माई है वो हो गया आपका पोसेसिव प्रनाउन. दिस कार इज़ माइन, ये कार मेरी है. अगेन आप हक जता रहे हो उस कार पर, आप अपना अधिकार बता रहे हो कि ये कार किसकी है, ये कार आपकी है. दिस हाउस इज़ yours, ये घर तुम्हारा है. यहाँ पे रियल ओनर बताना कि किसका वो घर है यहाँ पर. सो इस चीज़ों को हम कहते हैं पोसेसिव प्रनाउन. सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा वॉट इट इज़ बीन. एंड जो रेस्ट ऑफ द है पार्ट, इसमें हम डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि इसके भी काफ़ी सारे सब पार्ट्स आते हैं जो आपके आगे दूसरे चैप्टर्स में होंगे, तब हम इसको डिस्कस करेंगे. क्योंकि अगर अभी मैंने वो डिस्कस कर लिया देन यू विल गेट इट कन्फ्यूज्ड, आप कन्फ्यूज हो जाओगे. सो हम पहले फ़िलहाल इतना ही रखेंगे एंड द रेस्ट जो भी हैं इसके आगे के पार्ट्स वो हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में गो थ्रू कर लेंगे. सो आई होप ये जो सारे टाइप्स के प्रनाउन थे आपको वो समझ में आ गए हों. गो थ्रू दिस वीडियो अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इवन मोर बेटर. थैंक यू.